हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गीत। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार में। आज कुछ सदाबहार पौधे यानी कि एवरग्रीन पौधों के नाम शेयर करूँगी जो सालों भर हरे भरे रहते हैं और बेहद खूबसूरत दिखाई देने वाले पौधे हैं। तो कौन कौन से पौधे हैं इनके नाम शेयर करती हूँ। अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। इन पौधों की सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं, खास बात यह है कि ये बहुत अच्छे एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स हैं, हवा को शुद्ध बनाने वाले पौधे होते हैं। सबसे जो पहला पौधा आप लोगों को दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, वो है एस्पैरगस फर्न, जिसे सतावरी भी कहा जाता है। एक मेडिसिनल प्लांट है। हमारी हेल्थ में कुछ तरह की बीमारियाँ होती हैं, उसको ठीक करने के लिए इससे कई तरह की दवाइयाँ भी तैयार की जाती है। तो ये है एस्पैरगस फर्न। फर्न्स की वैसे बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं और इसको मैंने एक सेरेमिक पॉट में लगाया हुआ है। इसमें ग्रोथ इसकी बहुत अच्छी चल रही है। ये देखिए, ये गर्मियों में बहुत अच्छे तरीके से ग्रो होता है। अगर आप इसको हैंगिंग बास्केट में लगा कर रखेंगे तो इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और ये बेहद खूबसूरत लगते हैं पौधे। इसकी पत्तियाँ बहुत ज़्यादा लंबी लंबी होती हैं। मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए, ये तो छोटी छोटी पत्तियाँ हैं लेकिन कुछ पत्तियाँ बहुत ज़्यादा लंबी लंबी निकलती हैं, जिससे कि ये बेहद खूबसूरत दिखता है पौधा। इसकी जड़ों में आलू जैसे छोटे छोटे राइजोम्स होते हैं, आलू जैसे नहीं, छोटे छोटे मूंगफली के जैसे। तो वो जो होते हैं मूंगफली के दाने जैसे इसके जो राइजोम्स होते हैं, उससे ही ये बहुत सारे प्लांट्स तैयार हो जाते हैं। जैसे एक पौधा आप लेकर आते हैं, उसको लगाते हैं, तो कुछ ही महीनों में, साल भर के अंदर इतने सारे वो भर जाएंगे गमले में कि उसको आप अलग से डिवाइड करके पूरी तरह से प्लांट को बाहर निकालें, फिर उसको अलग करके थोड़ा थोड़ा आप अलग अलग गमले में लगा सकते हैं। उससे आप ढेर सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। और ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं, इसमें फूल नहीं आते हैं। और ये जो प्लांट्स होते हैं, इसमें आप गर्मियों में पानी अच्छे से दें, फर्टिलाइज़र महीने में एक बार देंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो होता रहता है। बहुत ज़्यादा खाद की इस प्लांट को ज़रूरत नहीं होती है। इसको आप आउटडोर और इंडोर भी रख सकते हैं। इंडोर रखते हैं तो इस प्लांट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, क्योंकि धूप में इसमें बहुत जल्दी कीड़े लग जाएंगे, मिली बग्स जैसे कीड़े लग जाते हैं, जो सफ़ेद रंग के चिपचिपे से कीड़े होते हैं और आपके प्लांट को ख़राब कर देंगे। ये प्लांट आउटडोर बहुत अच्छा चलता है, लेकिन ध्यान रखें कि कड़ी धूप में इस पौधे को ना रखें। तो ये था एस्पैरगस फर्न। फर्न्स की बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं, आप कोई भी वैरायटी लगाएं, बहुत खूबसूरत वैरायटी है ये। और ये पौधा ही बहुत खूबसूरत है, इसकी सारी वैरायटीज़ बहुत खूबसूरत होती है। दूसरा जो प्लांट है वो है फ्रेंड्स, ये देखिए, जीजी प्लांट, जिसे ज़ैमियोगल्कस ज़ैमियोफोलिया भी कहते हैं। ये मोस्ट ऑक्सीजन गिविंग प्लांट में से एक है और नासा के द्वारा अप्रूव जितने भी मोस्ट ऑक्सीजन गिविंग प्लांट्स के नाम हैं उनके लिस्ट में ये शामिल है, वो भी नंबर वन पे। स्नेक प्लांट्स और जीजी प्लांट, ये सब जो प्लांट्स हैं ये ऑक्सीजन गिविंग प्लांट्स हैं, ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाले पौधे होते हैं। इसकी जड़ों में आलू जैसे बल्ब होते हैं जिसको राइजोम्स कहते हैं, तो इससे आप इसके बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। जीजी प्लांट को आप इसकी पत्तियों से भी ग्रो कर सकते हैं और इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। प्रोपगेशन इसकी तीन तरह से हो सकती है, इसके राइजोम से जो इसकी जड़ों में होते हैं आलू जैसे, इसकी पत्तियों से और इसकी कटिंग से। ये जो प्लांट है इसकी वैरायटीज़ बहुत सारी होती हैं। इसकी दो वैरायटीज़, एक ग्रीन पत्तियों वाली होती है और ये ब्लैक पत्तियों वाली मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये जो प्लांट्स होते हैं थोड़े से एक्सपेंसिव प्लांट हैं, कॉस्टली प्लांट हैं, थोड़े से महंगे मिलते हैं, लेकिन एक बार आप लेकर आते हैं तो बहुत लंबे वक्त तक आपके घर में बने रहेंगे। लेकिन थोड़ा सा केयर चाहिए होता है इन पौधे को, बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, नहीं तो ज़्यादा पानी की वजह से इसकी जड़ों में जो आलू जैसे बल्ब्स होते हैं वो सड़ जाते हैं, गल जाते हैं और ख़राब हो जाएंगे। और ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, इंडोर प्लांट है, घर के अंदर रखने वाले पौधे हैं, ब्राइट लाइट में बहुत अच्छी तरह से चलते हैं और बहुत इजी टू मेंटेन प्लांट है। और इन सारे पौधों की मैंने देखभाल भी शेयर की हुई है कि इन पौधों की आप देखभाल कैसे करें और इसकी ग्रोथ कैसे अच्छी होगी, सारी चीज़ें मैंने डिटेल में वीडियो शेयर किए हुए अपने चैनल में। आप लोग चाहें तो वो सारे चैनल में जाके सारे वीडियोज़ चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट जो है वो है मनी प्लांट, आप लोग सभी जानते हैं, कॉमन हाउस प्लांट है, ज़्यादातर घरों में देखने के लिए मिलता है। वैरायटीज़ बहुत सारी होती हैं इसकी
और मनी प्लांट की पत्तियां अगर आप बड़े पत्तियों वाली लेकर आते हैं, इसमें छोटी पत्तियां आ रही हैं, तो इसके ऊपर भी मैंने इस टॉपिक पे भी वीडियो शेयर किया हुआ है इस प्लांट के ऊपर कि इसकी पत्तियां दोबारा से बड़ी बड़ी कैसे आएंगी। तो ये चाहे तो ये भी आप वीडियो चेक कर सकते हैं, मनी प्लांट की पत्तियाँ छोटी आ रही हैं तो बड़े साइज़ की कैसे आएंगी। इसकी केयर भी मैंने शेयर की हुई है, बेहद शुभ पौधा माना जाता है घर में रखना, आर्थिक स्थिति घर की अच्छी होती है और इसको कटिंग से आप ग्रो कर सकते हैं मनी प्लांट को। वैरायटीज़ बहुत सारी होती है, जैसे मार्बल क्वीन पोथोस, मनी प्लांट्स को पोथोस भी कहते हैं, मार्बल क्वीन, नियॉन पोथोस, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं इसकी। एंजॉय मनी प्लांट, बेहद खूबसूरत वैरायटीज़ आती है मनी प्लांट्स की। इसको आप पानी और मिट्टी दोनों में ही ग्रो कर सकते हैं, बहुत आसान है इस पौधे की देखभाल करना, इजी टू ग्रो, इजी टू मेंटेन प्लांट है। ब्राइट लाइट चाहिए होती है, सुबह की हल्की धूप मिलेगी 2-3 घंटे की तो बहुत अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। कीड़े मकौड़े लगने का कोई इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि इसमें कीड़े मकौड़े लगते हैं, मनी प्लांट में सबसे कम कीड़े मकौड़े लगने वाले पौधों में से एक है। और इसको आप प्रोपेगेशन की बात करूँ तो इसकी कटिंग से बहुत ईजिली ग्रो कर सकते हैं आप, और ये बहुत तेज़ी से ग्रो होने वाले पौधों में से एक है। थ्रू आउट ईयर ये बहुत जो पौधा है बहुत अच्छी तरह से ग्रो होता रहता है, एक्सेप्ट विंटर्स, सर्दियों में इसकी ग्रोथ थोड़ी सी कम हो जाती है क्योंकि डोरमेंट पीरियड होता है, उस समय इन पौधों का आराम करने का वक्त होता है, तो इनकी जो ग्रोथ होती है वो गर्मियों में ही बहुत अच्छी होती है। इस पौधे को आप गमले में लगा सकते हैं, गमले में भी बहुत सुंदर लगते हैं ये पौधे, पानी में भी बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो रहे हैं। अगर आपको एक पौधे से बहुत सारे पौधे जल्दी जल्दी तैयार करने हैं तो इसकी कटिंग्स काट कर और किसी प्लास्टिक के बॉटल में साफ़ पानी भर के उसमें उसकी कटिंग डाल दें तो इसकी जो ग्रोथ है जड़ों की मनी प्लांट की बहुत तेज़ी से होती है पानी में। तो आप जब जड़ें बढ़ जाती है पानी में तो उस बॉटल से निकाल के आप फिर मिट्टी में उसको रिपॉट कर लें, तो इससे भी आप बहुत सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो सिर्फ पानी में भी इसको ग्रो करते रह सकते हैं। इसके अलावा जो प्लांट है जो है सिंगोनियम, ये भी बहुत अच्छे एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स हैं, मोस्ट ऑक्सीजन गिविंग प्लांट में शामिल है, वैरायटीज़ बहुत सारी होती हैं, एवरग्रीन प्लांट है, हमेशा हरा भरा रहता है, इसको आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, इसको पानी और मिट्टी दोनों में ही ग्रो कर सकते हैं। इसकी वैरायटीज़ छोटी से छोटी पत्तियों वाली भी मिलती है और बड़ी पत्तियों वाली भी मिलती है, लॉन्ग टर्म में चलने वाला पौधा है, बहुत आसान है इस पौधे की देखभाल करना, बहुत ज़्यादा इस प्लांट की देखभाल करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये घर की हवा को शुद्ध बनाने में माहिर होते हैं। इसको आप घर के अंदर ऐसी जगह रख सकते हैं जहाँ पे इसे ब्राइट लाइट, अच्छी ब्राइट लाइट मिले और सुबह की धूप मिल जाती है तो बहुत अच्छा रहता है इनके लिए। और ये जो पौधे होते हैं इसके और भी नाम है, जैसे एरोहेड भी कहते हैं इसको, और इसको आप किसी भी तरह के खूबसूरत सेरेमिक पॉट्स में भी लगाकर रख सकते हैं। इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है और पत्तियाँ कुछ इस तरह से निकलती है, इसकी नई पत्ती देखिए फ्रेंड्स इस तरह से निकलती है। तो आप इन पौधों को लगाकर रख सकते हैं सालों भर, इनकी ग्रोथ बेहद अच्छे तरीके से होती है और बहुत आसान होता है इनकी जो देखभाल करना। मैंने सारे पौधों के ऊपर देखभाल भी शेयर किया हुआ कि इनकी देखभाल कैसे करें, इसकी मिट्टी कैसी बनाएं, किस तरह के गमले में लगाएं, प्रोपेगेशन कैसी होती है, धूप कितना चाहिए होता है, खाद कितना दें, कौन सा दें, ग्रोथ तेज़ी से कैसे होगी इन पौधों की, सारी चीज़ें मैंने शेयर की हुई है मेरे चैनल में, सारे वीडियोस हैं, आप लोग चाहें तो चेक कर सकते हैं। और इसके बाद एक और प्लांट दिखाती हूँ, ये मनी प्लांट की वैरायटी है फ्रेंड्स, ये देखिए ये है एंजॉय मनी प्लांट, बहुत सुंदर खूबसूरत वैरायटीज़ में से एक है और छोटे से पॉट में लगा कर रखा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और मनी प्लांट किसी भी तरह की वैरायटी हो आपके पास मनी प्लांट की, आप सबकी एक ही तरह से देखभाल कर सकते हैं और गर्मियों में इन पौधों के ऊपर पानी का शावर ज़रूर करें, इससे प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी रहती है और प्लांट देखने में भी खूबसूरत लगते हैं। तो यही कुछ एवरग्रीन प्लांट्स थे जो आप लगा कर रख सकते हैं अपने घर में। तो यही था आज का हमारा प्लांट वीडियो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।